नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज़ में हम हरियाणा की जीके देख रहे हैं। इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है, हरियाणा के टूरिस्ट प्लेस, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स और हरियाणा का जो इतिहास है इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगर हम हरियाणा के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो देखिए हरियाणा का इतिहास काफ़ी बड़ा है, या यूँ कहे कि कुरुक्षेत्र में जो जो बैटल्स हुई है, जैसे कि महाभारत की लड़ाई भी वहाँ पर हुई थी, तो हरियाणा का इतिहास काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा है। बट ये सब कुछ यहाँ हम नहीं देखने वाले और एक वीडियो में उस पर बात भी नहीं हो सकती। यहाँ पर कुछ फैक्ट देखने वाले हैं हम इससे संबंधित, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की PDF आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी, आप उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्टार्ट करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई से। पानीपत में एक बैटल हुई थी दोस्तों। पानीपत में जो तीन बैटल्स हुई है इन्हें बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, बट उन्हें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस तरह से हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं बैटल ऑफ पानीपत से, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 वह डेट है जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किन के बीच हुई थी? तो एक और थी दोस्तों इन्वेडर बाबर की फोर्स और दूसरी और थी लोधी किंगडम, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, तो देखिए इसमें मुगल्स जीते थे, इसमें बाबर जीता था, और जो लोधी डायनेस्टी थी इसका एंड हो गया था इस लड़ाई के साथ ही, या यूँ कहे कि जो लोधी एम्पायर था उसे ख़त्म करने का काम किया इस लड़ाई ने। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाता है और इस टॉपिक पे डिस्कशन भी होता है कि जो बैटल ऑफ पानीपत है या पानीपत में जो लड़ाइयाँ हुई है, ये लड़ाइयाँ रीजन्स है जिसके मतलब जो एम्पायर हुआ करते थे उन एम्पायर्स को एम्पायर शेकिंग बैटल ये थी, ठीक है। जैसे कि इस लड़ाई का रिजल्ट हमारे सामने क्या आया दोस्तों, कि जो लोधी किंगडम हुआ करता था इसका एंड हो गया इस लड़ाई के साथ, और यहाँ से नई चीज़ की शुरुआत हुई, मुगल्स की एंट्री होती है और ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी दोस्तों, ये 5 नवंबर 1556 को हुई थी, और किन किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि एक हिंदू किंग थे उस समय, इनके एक साइड में ये थे और दूसरी साइड में जो अकबर था जो कि मुगल एम्परर था एक, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और इसका भी रिजल्ट सेम ही था दोस्तों, यहाँ पर भी मुगल एम्परर जीता था, ये विक्टोरियस रहे थे। और देखिए मुगल को रिप्रेजेंट किन लोगों ने किया था, कौन कौन इनके कमांडर थे, लीडर थे उस लड़ाई में, बिकॉज ये जीतने वाले थे इसीलिए इनके बारे में देखते हैं। अकबर, बहराम खान, अली कुली खान, सिकंदर खान उज़्बेक, अब्दुल्ला खान उज़्बेक, हुसैन कुली खान व शाह कुली खान मेहराम। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जानते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था दोस्तों 14 जनवरी 1761 में, 1761 में, ठीक है। स्थान हुई था पानीपत, बिकॉज पानीपत की ये बैटल थी ये, और किन किन के बीच में हुआ था, तो ये मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली इसके फोर्सेस के बीच में ये लड़ाई हुई थी, और यहाँ पर अफगान जो थे मतलब अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी इन्हें जीत मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पानीपत की तीन लड़ाई कब हुई है, वो डेट कौन सी थी, किनके बीच में हुई और कौन उसमें विक्टोरियस रहा था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन शुरू के तीन स्लाइड में देखी। अब हम आगे चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे दोस्तों। देखिए प्रसिद्ध मुगल शासक जब अकबर हुआ करता था, तो उस समय रेवाड़ी का शासक थे हेमचंद्र हेमू, ठीक है, जिनके बीच में युद्ध भी हुआ था। अकबर और हेमचंद्र के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 को, ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, स्लाइड नंबर 2 में, ओके। 8 अप्रैल 1919 का वो दिन था दोस्तों जब हरियाणा के पलवाल स्थान से महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, और आप जानते हो श्रीमद् भगवद गीता जो कि एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा स्थान जो कि कुरुक्षेत्र में है यह दिया गया था, ठीक है। तुगलक शासक फिरुख शाह तुगलक ने हरियाणा के हिसार प्रदेश में या यूके के हिसार जिले में फतेहाबाद नगर बसाया था, ठीक है। हरियाणा का हिसार, सिरसा तथा फतेहाबाद नगर है दोस्तों, इस पर तैमूर ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? इट इज तैमूर। प्रदेश का एक अग्रोरा स्थान था जो अग्रयान की राजधानी हुआ करती थी। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर ईस्वी सन, ठीक है, 1014 में अपना आक्रमण किया था। बौद्ध काल में दोस्तों कुरु और पांचाल ये वो महाजनपद थे जो कि आज आधुनिक हरियाणा का भाग में शामिल थे। कौन कौन से थे ये? कुरु और पांचाल, प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन, आपने नाम सुना होगा और स्कूल की किताब में भी इनके बारे में पढ़ा होगा।
प्रसिद्ध राजा जो हर्षवर्धन थे दोस्तों, हर्षवर्धन ने हरियाणा में थानेश्वर नामक नगर को बसाया था, या यूँ कहे कि उनकी राजधानी हुआ करती थी। 12वीं शताब्दी में अर्नो राजा चौहान जब शासक हुआ करते थे, उस समय उस प्रदेश पर, हरियाणा प्रदेश पर, तोमरों ने आक्रमण किया था और उन्हें पराजित किया था। अब यहाँ से हम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस देखने वाले हैं, जो टूरिस्ट प्लेस है और इम्पोर्टेंट है हरियाणा के, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्थान कौन सा है और उनका नाम कौन सा है यही देखेंगे, जैसे कि किंग फिशर अम्बाला में है, रेड रॉबिन भिवानी में है, डेरेंगो दादरी में है, अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में है, डपची खौडल में है। ठीक है, क्या क्या देखा यहाँ पर हमने? किंग फिशर अम्बाला में, रेड रॉबिन भिवानी में, डेरेंगो दादरी में, अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में, डपची होडल में। ठीक है, चलते फिर आगे। हरियल नरवाना में, ब्लैकबर्ड हौसी में, शमा गुरुग्राम में, ब्लूबर्ड हिसार में, बुलबुल जिद में। ठीक है, बुलबुल जिद, ब्लूबर्ड हिसार, शमा गुरुग्राम, ब्लैकबर्ड हौसी, हरियल नरवाना, के मैच द पेयर पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर क्या पूछेगा, हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, तो इस ईयर जो एग्जाम होंगी इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और पीसीएस लेवल का एग्जाम है। ठीक है, कोयल, कैथल, कर्ण झील करनाल, कर्ण झील टूरिस्ट रिजॉर्ट करनाल, ओएसिस उछाना, स्काईलार्क पानीपत। ठीक है, आगे चलते हैं। कलायम पानीपत, ब्लू जे, समलखा, नील क्रांति डैम, कुरुक्षेत्र, पैराकेट, पीपली, जंगल बलबर, धारूहेड़ा, रेवाड़ी। ओ इट इज रेवाड़ी, तो ये रेवाड़ी है। ठीक है, मैं इसे रेवाड़ी ही प्रोनाउंस कर रहा था, सॉरी गाइस फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट होती है ऐसी गलती। पाइपर रेवाड़ी, तिलियार झील रोहतक, मैना रोहतक, नौरंग माहिम, काला तीतर अबूशहर सिरसा, काला तीतर कहाँ पे है? अबूशहर सिरसा। और काला, ठीक है आगे चलते हैं, हम जिस टॉपिक पर है उसी टॉपिक पे बात करते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट चेंज हो जाता है और हम कुछ दूसरी ही बातें कभी कभी स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता रहता है। चकोर सोनीपत, ताजेवाला यमुनानगर, हथनीकुंड बैराज यमुनानगर, कालेसर यमुनानगर, रेड बिशप पंचकुला, मोरनी हिल्स पंचकुला में है, गोरिया बहादुरगढ़ में है, सनबर्ड मोटल सूरज कुंड फरीदाबाद में है, टिक्कर टिक्कर ताल मोरनी में है, यदवेंद्र उद्यान पिंजौर में है जो कि पंचकुला में है। ठीक है, पिंजौर, और वो कहाँ है? पंचकुला में है। अंजन यात्रिका, पेहुवा, सांपला टूरिस्ट रिजॉर्ट रोहतक, सारस रिजॉर्ट गुरुग्राम, होटल राजहंस एवं कनेक्शन सेंटर सूरज कुंड फरीदाबाद, बिलसर का मेला। चलिए दोस्तों, आप मेले कौन कौन से लगते हैं ये देख लेते हैं। बिलसर का मेला, खटकेश्वर का मेला, पांडु पिंडारा मेला, सच्चा सौदा मेला। अब ये कहाँ कहाँ लगता है मैं ये नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आपको इसे पढ़ना है और ये पीडीएफ मिलते हैं आप इसे रिवाइज कर लेना। अगर आप चाहो और समय बचता है तो फिर से इसी वीडियो में इसे हम रिवाइज कर लेंगे, बट फर्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से मेले मेले लगते हैं हरियाणा में। बिलसर का मेला होता है, हटकेश्वर का मेला, पांडु पिंडारा मेला, सच्चा सौदा मेला, परासास का मेला, गोगी पीर का मेला, धमतान साहिब मेला, शिवाजी के मंदिर का उत्सव मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, देवी का मेला। ठीक है, बाबा उदासनाथ का मेला, फुलेडोर का मेला, दादा कान्हा रावत का मेला, सूरज कुंड का मेला। ठीक है, इस पे थोड़ी बात करते हैं दोस्तों, बिकॉज ये जो सूरज कुंड वाला मेला है ये काफ़ी बड़ा मेला होता है, और 2015 में ये जो मेला हुआ था तो इसमें जो विजिटर का नंबर था ये 1.2 1.2 बिलियन, वन पॉइंट टू मिलियन इतना था, तो काफ़ी सारे लोग इसमें आए थे। और देखिए जो फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री से भी 1,60,000 से ज़्यादा लोग इस मेले में आए थे, और 20 से ज़्यादा देशों से लोग पार्टिसिपेट करने आए थे इस मेले में। मैं 2015 के क्राफ्ट मेले की बात कर रहा हूँ जो कि सूरज कुंड में हुआ था। ठीक है, तो ये मेला बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, याद रखना, फरवरी माह में ये होता है, पर्यटक
पर्यटन कला की दृष्टि से यह मेला महत्वपूर्ण है और देश विदेश से यहाँ पे ख्याति प्राप्त लोग आते हैं, और ये मेला मतलब देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुका है। ठीक है, सूरज कुंड मेला, कनुआ का मेला, जन्माष्टमी का मेला, कालका का मेला, गोगा पीर का मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला, रामनवमी का उत्सव, शिव चौदास मेला, बाबा मस्तनाथ मेला, बाबा गंतीदास मेला, श्याम जी का मेला, भीमेश्वर का मेला, होला मोहल्ला महोत्सव, होला मोहल्ला महोत्सव, शीतला माता मेला, ये चैत्र व आषाढ़ में होता है दोस्तों, चैत्र आषाढ़ मास में लगता है, शीतला माता मेला, बटक पूर्णिमा का मेला, नाग पूजा का मेला, बुद्धों का मेला, गोगा नवमी का मेला, महादेव का मेला, बूढ़ी तीस का मेला। अब हम स्कीम्स देखते हैं दोस्तों, एक जगह से मैंने ये चीज़ें उठाई है, ठीक है, और काफ़ी सारी स्कीम वहाँ पे दी गई थी, बट अगर आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसे भी इस वीडियो में होना चाहिए था, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम जाना है आपको और IASPCS ज्ञान ऐसा टाइप करना है और कंटिन्यू में टाइप करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है, और वहाँ पर आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में तकरीबन आज की डेट में 4,000 तक मेंबर आ चुके होंगे, और यहाँ पर जो ISPCS के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग क्लास में ज्वाइन है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा हमने प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है कि यहाँ पे एस्पिरेंट्स एक दूसरे से बातचीत कर सके, अपने डाउट खुद क्लियर कर सके। आप हमारे साथ चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकते हो और हमसे सवाल भी पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, तो ISPCS ज्ञान ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप। स्कीम देख लेते हैं, सक्षम युवा योजना, ई भूमि योजना, स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा, ये दिव्यांगों के लिए है, विवाह शगुन योजना, उसके बाद की योजना है नो बैग नो बुक्स योजना, नाम से ही समझ में आता है कि स्कूल के बच्चों के लिए है, फूड नेट ऑनलाइन योजना, विदुर पेंशन योजना, तीर्थ दर्शन योजना, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं दोस्तों इनके लिए ये योजना है। द नेक्स्ट वन इज पुरस्कार योजना, सर्वश्रेष्ठ माताओं साहस व शौर्य पुरस्कार और वृद्धों वृद्धों के कल्याण के लिए ये है। निःशुल्क कोचिंग योजना, विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए है। गुलाबी महिला PCR वैन योजना, महिला और लड़कियों के सुरक्षा के लिए है। बेटी संपूर्ण परिवार योजना, एक या दो बेटियों के जन्म के बाद परिवार नियोजन के लिए ये योजना है। स्वर्ण जयंती सांझी साइकिल योजना, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। उसके बाद है दोस्तों बस परमिट योजना, देखिए बेहतर व्यवस्था के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना, निःशुल्क कोचिंग योजना, गरीबों और मजदूरों को मोबाइल वैन के लिए, और ग्रवित योजना। अब इन योजनाओं के बारे में मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएंगी, कोई टेंशन नहीं इस बात की। बुजुर्ग एवं दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना, मातृत्व लाभ योजना, जो जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, मैं इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मातृत्व लाभ योजना की बात की गई है, गर्भवती या बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई जाती है। फल और सब्जी योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, बेरोजगारों को एक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को चलाया जाता है। सखी रिचार्ज कूपन योजना, महिलाओं को अपना नंबर सुरक्षित रखने के लिए सखी योजना। पति या पिता से प्रताड़ित पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए योजना चलाई जाती है, नाम है सखी योजना। फेयर प्लेस छात्रवृत्ति योजना, जो हमारी महिला खिलाड़ी होती है, प्लेयर्स होती है, एथलीट्स होती है, इनके लिए ये योजना है। छात्रवृत्ति योजना, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं बाल विवाह बंद करने के लिए, दिस इज लाडली लक्ष्मी योजना, महिला वो बाल विवाह बंद करने के लिए इसे चलाया जाता है। निःशुल्क लैपटॉप योजना, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निःशुल्क लैपटॉप योजना, इसका अर्थ है कि लैपटॉप ही वितरण करते होंगे इसके थ्रू। स्मार्ट हाउस ID अभियान, प्रत्येक घर को बायोमेट्रिक से जोड़ने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। दीनदयाल जन आवास योजना, गरीब लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए। शिक्षा लोन योजना, महिला एवं लड़कियों के लिए ये योजना है। शतवंचित परिवार दर्शन योजना, गुरुग्राम के 100 वंचित परिवारों के उत्थान के लिए है। इंजीनियरिंग मुफ्त कोचिंग, सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन के छात्राओं के लिए ये
शहरी इलाकों में गाय भैंसों के लिए है। हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना, ठीक है, स्कूली विद्यार्थियों के लिए ज़रूर ये योजना होगी, बिकॉज स्कूली विद्यार्थियों को तलाशने का ही काम कर रही होंगी ये एक प्रकार। विधवा पेंशन योजना महिलाओं के लिए है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है विधवाओं को। मुफ्त सिलाई मशीन योजना, देखिए महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हें मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अनुसूचित जाति जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोगों के लिए है दोस्तों, और इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के थ्रू। हरियाणा फ्री उपचार योजना, अस्पतालों में निःशुल्क उपचार लेने के लिए नागरिक सुविधा केंद्र, आम जनता को सरकारी योजनाओं के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नागरिक सुविधा केंद्र। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, देखिए इस वीडियो में स्टार्ट हमने की थी हिस्टोरिकल फैक्ट से, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हरियाणा के हिस्ट्री से संबंधित। उसके बाद हमने इस वीडियो में मेले देखे, मेले के बाद दोस्तों इस वीडियो में हमने टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हरियाणा के ये देखे, और लास्ट में हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी है, आप इसे रिवाइज कर लेना और चेक कर लेना ये सही से है या एक्चुअली मैंने इसे चेक ही किया है। और कोई प्रॉब्लम अगर इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सूचित कर सकते हो कि कुछ गलती वीडियो में हो गई है। दूसरी बात यह है दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो में हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, छोटा सा 1 या 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। फोक डांसेस के बारे में बात करते हैं हरियाणा के। देखिए हरियाणा में एक फोक डांस है जिसका नाम है धमाल, ठीक है, एक है मंजीरा, और दूसरे कुछ डांसेस है दोस्तों जैसे कि लूर और फाग। अब देखिए LP, लूर और फाग किससे संबंधित है, इसे किस तरीके से आप याद रखना, जो लूर और फाग डांस है दोस्तों ये होली से संबंधित है, ठीक है। जब लूर को कब सेलिब्रेट किया जाता है, जब होली का ओकेजन होता है तब, और फाग को कब प्ले किया जाता है, जब होली के 2 वीक पहले इसे प्ले किया जाता है, ठीक है। LP लूर और फाग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लूर जब होली का ओकेजन होता है उस समय, एट द टाइम ऑफ होली, और फाग होता है दोस्तों होली आने के 2 वीक पहले। तो ये दो लोक नृत्य है, फोक डांस है हरियाणा के। इसके बाद तो आपको याद रखना है हॉर्स और खोरिया। देखिए जो हॉर्स डांस है हरियाणा का, ये मैरिज के टाइम पे प्ले किया जाता है, और जो खोरिया डांस है दोस्तों इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब मैरिज के समय इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा एक धामू डमरू डांस है, ठीक है, डमरू फोक डांस है जिसे मेन परफॉर्म करते हैं, ओके। और जो फाग डांस है जिसके बारे में हमने बात की कि 2 वीक पहले से परफॉर्म किया जाता है होली के, इसे मैन और वुमेन दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों इसे परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हरियाणा की GK इस वीडियो सीरीज में हमने देखी। और कुछ टॉपिक अगर रह गया है, आपको लगता है इस पर हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, तो आपको मैंने बता दिया है। आपको सिंपली टेलीग्राम में जाना है, HPSC ज्ञान, वहाँ पे एक ग्रुप है, इसे ज्वाइन करना है। और हमारा जो मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है दोस्तों, फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाता है वहाँ पे, जितने भी वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, इन सब वीडियोस की PDF वहाँ पे शेयर की जाती है। हमारे यहाँ सारे वीडियो फ्री होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे वीडियोस फ्री होते हैं, और ज़्यादातर PDF यहाँ पे फ्री होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आती है, ठीक है। जब भी हम वीडियो यहाँ पे देते हैं यूट्यूब की ओर से, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, ज़्यादातर हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब जब नोटिफिकेशन ही आपको नहीं मिलेगा तो आप वीडियो कैसे देख पाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो आ चुका है। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं सर, जब भी वीडियो अपलोड करते हैं वो उस वीडियो की लिंक टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं, जो टेलीग्राम का मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से, उसमें शेयर कर देते हैं। तो अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हो तो टेलीग्राम के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। इसके अलावा उसमें सर अपने वॉइस वॉइस मैसेजेस देते रहते हैं, ऑडियो नोट्स देते रहते हैं, PDF भी काफ़ी सारे देते रहते हैं, और जो वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते हैं उनकी PDF वहाँ पे शेयर की जाती है। तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, कोई प्रॉब्लम हो तो HPSC ज्ञान ग्रुप में आप पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक।